मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, ऐसे ही ढूंढने वाले, मेरे बातों की सच्चाई पे विश्वास करने वाले। मेरा साथ देंगे ये विश्वास मुझे है सर। ऐसे कितने दिन अनशन पे बैठने का आपने निश्चय किया है? सत्य की जीत होने तक, इस सत्य के बदन में जान होने तक। विजय मूर्ति आप क्या बोल रहे हैं? वीवीआर एक पूर्व मंत्री हैं, भैया जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इतने बड़े वीआईपी को शक के बुनियाद पर पूछताछ करने के लिए कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं? वो भी एक खून का मामला है सर। लीलावती के खून का सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सर। सिर्फ सबूत ही नहीं विजय मूर्ति, खून होते हुए भी देखने के बाद हमारी गवाही कोर्ट में मंजूर नहीं होती है। सबूत लेकर आइए, मैं ऑर्डर इशू करता हूँ। नहीं सर, उस डेट में उस नाम का कोई भी आदमी नहीं रुका। आपके बताए हुए डेट में लारी किधर भी नहीं गई थी सर, हमारी शेक। मुझे गलत मत समझिए सर, आपके भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढे थे सर। अभी सभी चौकन्ना हो गए सर, अभी हम ढूंढे भी तो सबूत नहीं मिलेगा सर। सारे सबूत मिटा दिए। वहाँ एक आदमी सच्चाई की जीत के लिए अनशन पर बैठा है, उसके बारे में सोचने से ही दुख होता है। वो जीतेगा सर। कैसे रे जीतेगा, हाथ में कोई सबूत नहीं है। भगवान है सर। नमस्ते छोटे भाई, मेरा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुआ था। इस देश की लड़ाई करने के लिए जवान लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सुनकर मेरे जैसे लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। उनकी बातों में जो सच्चाई थी वही हमें खींची थी। तुम्हारी बातों में भी वही सच्चाई है, इसे मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी अनशन में बैठता हूँ। अरे मुत्तमा, हमने इसको मारने आए हुए पुलिस को तो रोका था, लेकिन इस भाई के साथ हमें भी लड़ना चाहिए, ऐसा हमने नहीं सोचा था। देखो अरे, अब सब हम क्या देख रहे हैं, सब दुकान बंद करो। क्यों रे, फालतू राजनीति के लिए और प्रचार के लिए हम दुकान बंद करते हैं? हमारे एरिया पे आके सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहा है, इस आदमी का हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? लड़ाई के बहाने से कुछ लोग पेड़ काटते हैं, नहीं तो इंसान काटते हैं। ये तो अनशन में बैठा है ना, ये तो अच्छी बात है। क्या मैडम, पार्टी शुरू करने के लिए लड़ाई कर रहा है क्या? सच्चाई की जीत होनी चाहिए, भला ही होने दीजिए मैडम। रावड़ी जरूर था, लेकिन उसकी लड़ाई सही है। जनता के लिए लड़ाई किया था कलेक्टर लीलावती ने, समाज के लिए लड़े थे वकील उदय मूर्ति। इन दोनों की हत्या कर दिए वो लोग, इसका खुलासा होना ही चाहिए। इस सत्य को हम सब मिलकर साथ देंगे। उस पवित्र देवी को अपने हाथों से खाना खिलाया था, उस भली औरत का खून करने का कैसे मन किया होगा? वो जालिम हैवान है, उन हैवानों को फांसी देना चाहिए। सत्या जो बोल रहा है वो सही है। सत्या, सॉरी सत्या,
क्यों जी, अनशन में जो बैठेगा वो क्या गांधी बन जाएगा? वो हमारे आदमी के लिए काम करता था। उनके बीच पैसों का मामला था इसलिए गुस्से में चला गया। उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है और आप इंटरव्यू लेने आ गए। देखिए, इस वीबीआर की राजनीति में ये सब होते रहता है। कोर्ट में देखूंगा उसे। सर, खून होने का कोई भी सबूत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ये क्या मुमकिन है? सच्चाई का मतलब क्या है? भगवान, सच्चाई ही भगवान है। अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, स्वयं भगवान आकर उसके लिए लड़ेंगे। भगवान के सृष्टि किए हुए संसार में क्या भगवान ही हार जाएंगे? आप ऐसा बोलते हैं। वो सत्य कौन है? क्यों अनशन में बैठा है? उसका कहना है कलेक्टर लीलावती का पूर्व मंत्री वीबीआर ने खून किया है, उसके साथ जनता भी लड़ाई कर रही है। आपने क्या एक्शन लिया है? पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उनकी हत्या हुई थी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है सत्या को विपक्ष पार्टी वाले। वो एक साधारण मैकेनिक है, अकेले ही उसने लड़ाई शुरू किया था, अभी उसका साथ जनता भी दे रही है। एक अकेला आदमी को इतना सपोर्ट? बस जला देना, बिल्डिंग को तोड़ना, पेड़ काटना, दुकानें बंद करना, क्या ये मोर्चा है? देखिए हमारे सत्या को अनशन करके लड़ाई कर रहा है, वही है सच्ची लड़ाई। सत्या के अनशन के बारे में आपको क्या बोलना है सर? हम सब सत्या के साथ है मैडम। जाओ सालों, तुम सब सत्या के साथ जाकर मर जाओ। अनशन करेंगे, ये सब साथ दे रहे हैं, साथ पागल जनता। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, हमने सारे सबूत मिटा दिए। सीबीआई भी आएगी तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। ए, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। मोर्चा के एक एक मिनट बीतने में मेरा इमेज डैमेज होता जाएगा, फिर राजनीति में कभी री एंट्री नहीं होगा। एक ही बार में एग्जिट हो जाऊंगा। अबे, वो तो ऑलरेडी राउडी था ना, तुम किसी को भेजकर उसे टपकवा दो। सच्चे आदमी को खूनी ने मार डाला है बोलकर केस पलट देंगे। भेजो साला। ए, आप क्यों इतने शांत खड़े हैं? किसी एक को फोन तो करो। नहीं मालिक। क्या हुआ रे तुमको? अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ सत्या की वजह से, और मैं उसे ही जाकर। देखिए मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पर चलकर अनशन में बैठा है। उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, हम लोग तो उस महान नेता के जमाने में पैदा हुए हैं। क्यों मालिक, पैसों और कुर्सी का पागलपन कब तक करेंगे? मालिक, हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके जैसे आदमियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। भाई, उराव को फोन करो सालो। ओके सर, ओके। ए, चलो यहाँ से। ठीक है सर। ए, चलो यहाँ से, चलो। सायदे सत्या, नमस्ते। जब तक बदन में गर्मी था तो तलवार लेके घूमते थे, अभी ठंडा हो गया, अभी गांधी जी सही है बोल रहे हो? अरे अरे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेजों को फिल्म दिखाया था, तुम तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो। देखा रे, टीवी में देखा। जान रहने तक अनशन में बैठेगा? क्यों रे इतना टाइम वेस्ट, अभी जान देते। मैं जान ले लेता हूँ। रुक जा। ए, अनशन में बैठने वाले सभी कायर नहीं होते, और तेरे जैसे तलवार उठाने वाले सभी वीर नहीं होते। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधे घंटे में इंडिया में रहने वाले सभी अंग्रेजों को जलाकर राख कर देते। उतना उनके पास पावर था, उतनी ही जनता उनके पीछे थी। लेकिन वे अंग्रेजों को भी हमारे जैसा इंसान समझते थे, इसीलिए वो आज भी महात्मा बनकर जिंदा है। अभी क्या बे, मैं कायर हुई की वीर हूँ तुझे मालूम करना है? बस इतना ही ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं पुराना सत्या बन जाता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे टपका डाल।